हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं अपनी अगली हेडिंग बताने जा रही हूँ, परिवार स्वास्थ्य देखभाल रोगियों की एक इकाई। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। परिवार सामाजिक संस्था में सार्वभौमिक एवं सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का अनुवांशिकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य, परिवार अर्थव्यवस्था, भावनात्मक पक्ष, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिकरण, परिवार के वातावरण वर्णन इत्यादि से निकटता से संबंध है। स्वास्थ्य सेवाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु परिवार स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत एवं संरक्षित होना आवश्यक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर भी विचार करना जरूरी है। फर्स्ट है, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके परिवार के स्वास्थ्य का दर्पण है। अर्थात व्यक्तिगत स्वास्थ्य पारिवारिक स्वास्थ्य में प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, परिवार के सदस्यों के बीच गहरे एवं आत्मीय संबंध होते हैं तथा परिवार के प्रत्येक सदस्यों के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी परिवार मिलजुल कर उठाता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं। थर्ड है, परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य स्तर परिवार के अकाल, उसकी संरचना, आय, पृष्ठभूमि, आंतरिक वातावरण आदि से प्रभावित होता है। फोर्थ है, स्वास्थ्य देखभाल में परिवार से प्राप्त सहारा रोगी की आवश्यकताओं तथा उनके स्वास्थ्य लाभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फाइव है, परिवार स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के द्वारा सफल पारिवारिक जीवन चक्र प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है, परिवार स्वास्थ्य एवं नर्सिंग प्रक्रिया। परिवार के स्वास्थ्य का आकलन, फैमिली हेल्थ असेसमेंट, डेटा इकट्ठा करना। नेक्स्ट है, नर्सिंग निदान। थर्ड है, योजना। फोर्थ है, क्रियान्वयन। फाइव है, मूल्यांकन। परिवार स्वास्थ्य नर्सिंग समुदाय स्वास्थ्य नर्स की आवश्यकताओं आवश्यक योग्यताएं। परिवार स्वास्थ्य के संरक्षण तथा स्तर में वृद्धि के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स से निम्न योग्यताएं एवं गुण होने चाहिए। फर्स्ट है, परिवार केंद्रित दृष्टिकोण। सेकंड, परिवार स्वास्थ्य देखभाल के समय न्यायकर्ता नहीं बनना।